एप्पल यूजर्स के लिए आने वाली है बड़ी खुशखबरी, क्योंकि अब एप्पल अपने यूजर्स के लिए लेके आ रही है आने वाले आईफोन सीरीज में एक खास डिस्प्ले। वैसे तो कंपनी इस साल अपने आईफोन 13 सीरीज को लॉन्च करने वाली है, लेकिन अभी से अगले साल आने वाली आईफोन 14 सीरीज की कुछ खबरें सामने आ रही है, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा ज्ञानी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ एप्पल अपनी आईफोन 13 सीरीज इसी साल लॉन्च करने वाली है, वही आईफोन 14 सीरीज के डिस्प्ले को लेकर कुछ जानकारी बाहर आ रही है। हाल ही में साउथ कोरिया की एक रिपोर्ट से पता चला है कि LG डिस्प्ले कम तापमान वाली पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड तकनीक पर आधारित 120 हर्ट्ज डिस्प्ले शुरू करने के बारे में सोच रही है। वही माना जा रहा है कि ये डिस्प्ले अगले साल आने वाली आईफोन 14 सीरीज का हिस्सा होंगी। एक साउथ कोरिया की रिपोर्ट के अनुसार LG डिस्प्ले ने अपनी डिस्प्ले फैसिलिटी के लिए मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट लेने के लिए निर्माता कंपनी के साथ बातचीत शुरू कर दी है। देखा जाए तो इक्विपमेंट के लिए फाइनल ऑर्डर तब तक प्लेस होगा जब आईफोन सीरीज के लिए एप्पल से मंजूरी मिल जाएगी। इन सब से ये पता चल रहा है कि कंपनी अपने अगले आईफोन 14 मॉडल 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आ सकती है। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि आईफोन 14 सीरीज में सिक्योरिटी के लिए इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर और नया 6.7 इंच मॉडल आ सकता है। वही पता चला है कि कंपनी की सीरीज में आईफोन का मिनी वर्जन नहीं रहेगा, और एक कारण ये भी है कि कंपनी अपनी आईफोन 14 मॉडल के लिए 120 हर्ट्ज डिस्प्ले पर स्विच कर सकती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कंपनी ने एप्पल आईफोन 13 प्रो मॉडल में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्टिंग के लिए सैमसंग के साथ हाथ मिला है। तो दोस्तों, ये थी आने वाले आईफोन 14 सीरीज के बारे में कुछ जानकारी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सकता है, उनको ये वीडियो शेयर करिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप हमारी वीडियो देख पाए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।